नमस्कार, मैं हूं ऋषभ श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सिवान न्यूज। अभी हमारी सिवान न्यूज की टीम शहर के छपरा सिवान मुख्य मार्ग पे पहुंची हुई है। अभी इस वीडियो के माध्यम से हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। सिवान में अभी जो रोडों की ताज़ा हालात है, हर तरफ कचरा, बरसात के मौसम में आप देख सकते हैं रोड पे पानी लगना सिवान में आम बात है। इस चीज़ को प्रमुखता से दिखाने के लिए हमारी सिवान न्यूज़ की टीम आज पहुंची हुई है छपरा सिवान मुख्य मार्ग पे। लेकिन सबसे ज़रूरी बात ये है और जो आज सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आज इसी मुख्य मार्ग से अटल जी की अस्थि कलश यात्रा सिवान में आने वाली है, जो पूरे सिवान का भ्रमण करते हुए VM मिडिल स्कूल में उनके लिए एक श्रद्धांजलि सभा अर्पित की गई है। आइए दिखाते हैं आपको कि रोड का क्या हालात है। रोड का जायज़ा लेने के लिए मैं चाहूँगा कि प्लीज़ आप रोड की तरफ दिखाइए। हम देख सकते हैं जहाँ पे हम खड़े हैं, जस्ट आगे देखिए कि रोड पे क्या हालात है। गाड़ी तो छोड़ी, यहाँ पे पैदल चलने वालों की दिक्कत है। आइए आपको रोड के उस छोर लेके चलते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे जस्ट बाद में कि गड्ढे और गड्ढों में पानी, मानो ऐसा प्रतीत होता है कि अगर कोई इंसान पैर रखे तो वो गिर जाए, गाड़ी का कौन पूछता है। आगे देखिए वो डिवाइडर से लेके हर जगह, और इसे कहीं ना कहीं आप एक अनियमितता नहीं कह सकते हैं, ये कहीं ना कहीं एक और इशारा कर रहा है कि हमारा देश, हम कहते हैं बिहार तरक्की कर रहा है, देश तरक्की कर रहा है, लेकिन इन सड़कों की सुध कौन ले। इन सड़कों पे अभी बात करें तो आप देख सकते हैं ट्रैक्टर, आप देख रहे हैं हमारे जस्ट बगल से ट्रैक्टर जा रहा है, देखिए बिल्कुल, और जस्ट ये ट्रैक्टर गड्ढे में गया। अगर कुछ इंसिडेंट होता है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो क्या उसकी जवाबदेही किसकी होगी। देख सकते हैं चाहे वो गाड़ी वाले हो, साइकिल वाले हो या ट्रैक्टर, यहाँ तक कि आम लोग भी, आम जस्ट मेरे पीछे आप देखिए, लोगों को मजबूर है कि डिवाइडर पे से लोगों को जाना पड़ रहा है। अमूमन डिवाइडर होती है दो लोगों को बांटने के लिए, लेकिन यहाँ की जो डिवाइडर है वो है लोगों के आने जाने का रास्ता बना हुआ है। देख सकते हैं ये मुख्य मार्ग है, क्योंकि शहर का इसलिए भी यहाँ पे थोड़ा सा भीड़ भी ज़्यादा होती है लोगों की। और आप देखिए लोगों के बद इंतज़ामी का हालात आप देख सकते हैं। लोग देखिए यहाँ पे रुक रुक के बाइक देने के लिए लोग परेशान हैं। आइए रुक के बात करते हैं आपसे, और नाम आपका? कमलेश कुमार। देखिए कमलेश जी, ये रोड के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अभी रोड के आप हालात देख रहे हैं, डेली यहाँ से ट्रैवल करते हैं आप? बहुत बुरा हालात है। वैसे आपको पता होगा आज इसी रोड से अटल जी का मुख्य जो है कलश अस्थि आने वाला है, तो क्या यहाँ पे प्रशासन की कोई तैयारी करनी चाहिए कि नहीं? क्या नहीं करनी चाहिए, एकदम करनी चाहिए। लेकिन क्या प्रशासन की तरफ कोई तैयारी दिख रही है आपको? कहाँ दिख रही है, पूरा ही कोई तैयारी आपको नहीं दिख रही है, अमूमन डेली की तरह। चलिए थैंक यू कमलेश जी, समझ गए। आइए और किसी से बात कराते हैं। बस नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ। अच्छा राजकुमार जी, इस रोड से आपका कहने रहने वाले कहाँ के हैं? आनंद नगर के रहने वाले। आनंद नगर, तो इस रोड से हमेशा आना जाना होगा आपका, तो होता ही है। तो कब से आप ये बद इंतजामी का हालात कब से देख रहे हैं? देखिए जब से बरसात स्टार्ट हुआ इसका रोड और बदतर स्थिति में है। बिल्कुल। और आज बताना चाहेंगे कि अस्थि कलश यात्रा अटल जी की इसी रास्ते से जाने वाली है। तभी आप देख रहे हैं क्या कुछ कोई चेंजिंग वगैरह, या रोड डेली की तरह रोजमर्रा की है? नहीं, कल से तो और बदतर स्थिति होगी। नाम आपका? संजय राम। देख सकते हैं आप एक ठेला चालक है, तो अभी क्या इंतजाम, अभी क्या लग रहा है ये रोड से आपको आने जाने में? मैं देख सकता हूँ कि आपने एक अच्छा खासा लोडेड माल रखा हुआ है, तो रोड जब अच्छा था तभी आपने देखा होगा। तो दोनों में क्या, मतलब क्या डिफरेंस आप फील कर रहे हैं, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में अंतर यही है, जो हम लोग माल ढोने में 2 घंटा लग जाता है यहाँ से वहाँ तक। अच्छा, अभी 2 घंटा लगता है, पहले कितना लगता था? पहले 1 ही घंटे में पहुँचा देते। पहले 1 घंटे में, यानी कि आपका जो समय है वो दुगुना लग रहा है, तो कहीं ना कहीं उससे आमदनी आपकी अफेक्टेड हो रही है। कितना आमदनी कमा लेते हैं लगभग दिन का? दिन भर में 500-600। और पहले कितना कमा लेते थे? पहले तो ज्यादा कमा लेते थे। अच्छा, मतलब जब रोड 800-900 रुपए आप पहले कमाते थे, और जब हमेशा इसी रोड में रहना है। अच्छा, हमेशा आप इसी रोड के रहने वाले हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो और कभी किसके लिए, कभी किसी से शिकायत वगैरह की आपने? नहीं, किसी से शिकायत भी मौका ही नहीं मिला। अच्छा, तो रहने वाले कहाँ के प्रॉपर आप? हम तो बेतिया जिला का है, पश्चिमी चंपारण का। अच्छा, मतलब यहाँ पे रोजी रोटी के लिए रहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि जैसा इन्होंने बताया कि ये रोजी रोटी के लिए रहते हैं, पर खराब रोड की वजह से इनकी रोजी रोटी पे असर पड़ रहा है। बात करें अगर तो स्थानीय लोगों की, यहाँ पे मुसाफिर जो डेली से गुजर रहे हैं वो तो परेशानियों का सबब उनके लिए है ही, साथ ही साथ स्थानीय लोग किस हद तक परेशान है आइए जानने के लिए लेके चलते हैं। यहाँ पे हमारे आसपास आप देख सकते हैं, कैमरामैन इधर दिखाइए, कुछ लोग हैं, तो आइए बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नूर आलम है। अच्छा नूर आलम जी, आप रहने वाले कहाँ के हैं? मैं रहने वाला हूँ बाड़िया क्षेत्र से, छोटकरवा गाँव का। अच्छा, छोटकरवा गाँव का।
तो ये जो रोड क्या बद इंतजामी देख रहे हैं हमारे पीछे, जस्ट आप अभी तक देखा यहाँ से पूरा जो मुख्य मार्ग है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मेरा कहना इस पर कहने के लिए तो बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, जो हम लोग आपका चैनल, तो मैं बहुत बड़ा आपका सपोर्टर हूँ, जो मैं रहने यहाँ, मैं आपके लिए मतलब दुआ कदर से ये चैनल देखता हूँ और दुआ कदर से इस चैनल को मैं सपोर्ट करता हूँ। ऑलरेडी मैं इस रास्ता से गुजर रहा था, तो मैं आपको जब देखा यहाँ कि आप आदमी से बात कर रहे हैं, तो आप अपना गाड़ी वहाँ रोक कर मैं आपसे खुद बात करने के लिए। कहने का मकसद ये है कि जो हम लोग के क्षेत्र में जो विकास है, विकास बहुत मतलब कहने के लिए हाँ के बस हमको पार्टी से कुछ मतलब नहीं है, हमको मतलब है कि हमारा सिवान जिला विकास करे, और विकास करके हम हिंदू और मुस्लिम जो है हम एक भाईचारा के यहाँ खुशी से ज़िंदगी जिए, और हम लोग इस रास्ता पर चले तो हमको आनंद मिले कि हमारा जो सर है, हमारा जो विधायक है, हमारे लिए कुछ अच्छा काम किए हैं। हमको पब्लिक क्या चाहिए? पब्लिक को सबसे पहले रोड चाहिए, उसके बाद से हम गांव में हैं तो हमको लाइट चाहिए। तो हमारा जो ये लाइट और रोड का जो प्रॉब्लम है, लोग बोला मैं सॉल्व किया, कहाँ सॉल्व किया? हमारा जो सिवान का मेन सिटी है, हमारा जो ये सिवान का मेन सिटी है, जो ये सिटी में ये इसको हम मेन रोड बोलते हैं, ये सिवान का सबसे मेन एरिया है, इसके बाद से नवलपुर आउटरिया हो गया वहाँ के, मतलब तो जो हमारा मेन सिटी, जो मेन सिटी आज के दौर में जो 2018 चल रहा है, अभी 6 महीना के बाद से फिर चुनाव होने वाला है, फिर इसी पर बात चलेगा कि हम रोड बनवाएंगे। ये 2018 आ गया, कब तक रोड का विकास का ये बात होगा? हो नहीं रहा है, खाली इस पर बात हो रहा है, कब तक बात होगा? हम चाह रहे हैं इसको बात ना हो, काम किया जाए, और काम करके जनता को सबसे पहले रोड को सुखी किया जाए, जनता को आने जाने का सुविधा किया जाए, ताकि हमारा जनता जाने कि हाँ यहाँ पर हमारा नेता जो है पहले हमको रोड दिए। हमको आप देहात क्षेत्र में जाकर कुछ भी विकास करने का हमको नहीं मालूम, जो हमारा शहर में विकास नहीं है तो हम देहातों को क्या मालूम है? एक चापाकल गाड़ देंगे रोड पब्लिक के लिए बना देंगे एक अति का, तो क्या वही ज़्यादा हम लोग लिए? वो नहीं है। पहले हम लोग हर आदमी जो गांव से लगाव है, हर आदमी का हमारा जिला में काम है, हमारा कोई कागज़ वाला काम हो गया, हमारा पासपोर्ट वाला काम हो गया, हमारा कोई ज़मीन लिखा पढ़ी का काम हो गया, हमको कोई बैंकिंग का काम हो गया, हर आदमी को जितना हमारा सिवान जो क्षेत्र का आदमी है, हर आदमी हमको चाहता है कि यही है। क्यों? अपना काम के लिए। जब हम देहात छोड़ के इस गांव में आते हैं काम के लिए, तो हम घर से तैयार होकर आ रहे हैं अच्छा से, लेकिन हम आते 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 यहाँ पर इतना ख़राब हो जा रहे हैं, ताकि हमारा 1000 का जींस 500 का टी शर्ट दिखाई दे रहा है 100 रुपया का है जी। बस सरकार इस पर यही सोच रहा है, तो हमने विकास किया, और हमने देखा कि विकास 1% नहीं है। अगर कोई आकर हमसे बोले, यहाँ पर पूछे, हम डायरेक्ट जवाब देने वाले हैं, इसलिए हम भी यहाँ के स्टूडेंट हैं, हम भी यहाँ के पढ़ने वाले हैं, हमारा भी एक कर्तव्य बनता है कि हमको यहाँ पर विकास मिले। कहने में करने में बहुत अंतर होता है, खाली कभी एक विधायक, कभी वो विधायक, कभी वो पार्टी, बस दिखावा हो रहा है कि हम ये गाड़ी चला रहे हैं, वो चला रहे हैं, दिखावा हो रहा है कि हमने विकास करेगा। जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है सर, जब इलेक्शन का टाइम आ रहा है, तो पर इसी मुद्दा बात छिड़ रहा है कि हमने ये किया वो किया, लेकिन हुआ तो फिर क्यों नहीं हुआ? ये पब्लिक जा रहा है, कैसा रास्ता है? क्या इसमें पैदल जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। इसलिए हम यहाँ का जो सरकारी मतलब जो कार्यकर्ता है, और हमारे इस जिला को जो माननीय जो विधायक सर है, इस पर हमको चाहिए कि हम अपने जिला को सबसे पहले स्वच्छ बनाएं, सफाई में अभियान जो चल रहा है उसको हम सफाई से अपना क्लीन बनाएं, अपना जिला को हम पहले स्वच्छ बनाएं, तब हम भारत के बारे में सोचेंगे। हमारा घर सही नहीं है, हम भारत के बारे में सोचें क्या करेंगे? सबसे पहले हमारा घर से होना चाहिए, घर के बाद से गांव से होना चाहिए, गांव के बाद से हमारा क्षेत्र से होना चाहिए, क्षेत्र के बाद से हमारा जिला होना चाहिए सही। जब ये जिला के बात आएगा, जब यहाँ तक होगा, तब हम बोलेंगे हमारा भारत क्या है? सही है, हमारा गांव सही नहीं है, जिला सही नहीं है, हम भारत की बात कर रहे हैं? ये कैसा हो सकता है? दिस नॉट पॉसिबल, दिस रॉन्ग, ओनली मैटर दिस रॉन्ग। ओके, तो मैं चाहूँगा इस पर हमारा जो सर है, इस पर काम करें और पब्लिक के लिए अच्छा अच्छा विकास करें, ताकि हम लोग को चलने उठने बैठने के लिए, फिर से हमारा यहाँ जो बच्चा पढ़ने वाला है जाए, आराम से आए जाए, कोई तकलीफ ना हो। हमसे सरकार से यही बस उम्मीद है कि इंशाल्लाह इस पर काम होगा और काम होना चाहिए। ओम प्रकाश यादव है चाहे व्यासदेव प्रसाद है, इन लोगों का दोनों के पास जाने के बाद यही रूल रहता है, जान आता है काम हो जाए। तो अगर कोई दोनों आदमी से कोई भी खुश नहीं रहता है। राजनीति के बात अलग है, उन लोग का आज कोई आने वाला है मंत्री, तो यहाँ पर रोड बन जाएगा, फिर कल वही हाल होगा रोड का। मुझे तो अभी रोड बना हुआ नहीं दिख रहा है, बहुत महान विभूति आने वाले हैं, पर रोड तो नहीं दिख रहा बना हुआ। हो सकता है उनसे भी कोई महान विभूति, कहीं सिवान के सीएम, बिहार के सीएम नीतीश कुमार भी हो। चिलचिलाती धूप में भी हमारी टीम खड़ी है,
सिर्फ और सिर्फ लोगों की तकलीफों के लिए जो आपने रोड के माध्यम से मैंने आपको दिखाया। तो जो भी इन्होंने कहा पार्टी के लिए, हम किसी पार्टी से हमारी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, कोई द्वंद हमारा नहीं है। हमारा मुद्दा यही है, हम चाहते हैं कि कहीं ना कहीं लोगों को सुरक्षा मिले, लोगों को सुविधा मिले और एक अच्छे रोड सबके, एक लोग कहता है कि रोटी कपड़ा और मकान के बाद जो सबसे पहली चीज़ है वो एक रोड होती है। अटल जी माननीय जो हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उनका भी यही मानना था। तो कहीं ना कहीं रोड अच्छे होने चाहिए और लोगों तक ये सुविधा नहीं पहुंच पा रही है, इसीलिए हमारी सिवान न्यूज़ का ये जो है एक खास पेशकश है। तो हर जगह हर वार्ड में राबिश टुकड़े के हर रोड को मरम्मत कराया जा रहा है, तो क्या वो रोड की मरम्मत आज नहीं कराई जा सकती थी? नहीं, मैंने सूचना उन नगर परिषद को है, हम अभी तो मुझे नहीं पता है कि वहाँ राबिश का या टुकड़ा का व्यवस्था हुआ है कि नहीं, लेकिन आपके माध्यम से मुझे पता चला कि नहीं हुआ है। नगर सभापति से पूछेंगे हम क्यों इस तरह का व्यवस्था हुआ है, या स्कूटी इंजीनियर से बात करते हैं क्योंकि वहाँ कम से कम व्यवस्था किया जाए राबिश उबिश का, और कम से कम वहाँ सही जो गड्ढा है पानी लगा हुआ है वो कम से कम ख़त्म हो। जी बिल्कुल, ये सवाल आपसे मैं इसलिए भी पूछ रहा हूँ पर्सनली क्योंकि नगर परिषद पे भी बीजेपी का कब्जा है और इतना जो हर जगह जोर शोर से तैयारियाँ चल रही, तो इतना तो किया जा सकता था अटल जी के लिए। जी नहीं, अभी मैं पता कर लेता हूँ, वहाँ पे उनको सूचना है, नगर परिषद को सूचना दी गई है कि वहाँ पे जहाँ पे, ऐसा नहीं है कि मेन रोड पे ही, जहाँ पे जिस मोहल्ले में अगर राबिश गिराने से व्यवस्था बन जाती है, टुकड़े गिराने से व्यवस्था बन जा रही है, वहाँ नगर परिषद काम भी कर रहा है। अगर आपके माध्यम से मुझे जानकारी मिला कि वहाँ पे नहीं व्यवस्था हुआ है तो इसके लिए हम जानकारी ले लेते हैं। माननीय सभापति जी, माननीय उपसभापति जी को हम सूचना करते हैं इस विषय को। अभी सुबह से ही हमारी सिवान न्यूज़ की टीम उसी रूट से होके आई है, उमा शंकर सिंह पेट्रोल पंप के ठीक सामने आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन पे अभी भी कुछ नहीं कराया गया है, और वो अस्थि कलश यात्रा उधर से ही होके आ रही है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे एक अव्यवस्था का मंजर होगा, आलम होगा, तो उसके लिए क्या बीजेपी को तैयारियाँ करनी चाहिए थी या नहीं? नहीं, हम लोग तैयारी किए हुए हैं, हम लोग जानकारी भी दिए हैं प्रशासन को कि इस रूट से अटल जी की शव यात्रा आएगी। प्रशासनिक व्यवस्था क्या हुआ है वो अब हम लोग को जाने के बाद पता चलेगा कि जिला प्रशासन क्या व्यवस्था किए हैं, क्योंकि ऐसे महान पुरुष की अस्थि यात्रा निकल रही है जो भारत में ऐसे किसी जन नेता का, राजनेता का अस्थि यात्रा नहीं निकला है जी, जो भारतीय जनता पार्टी के तरफ से ये और पूरे स्वर्गदलीय रूप से ये कार्यक्रम हो रहा है। एक तरफ हैप्पी जी का कहना है कि जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे वो सर्वदलीय नेता थे, सबके लिए नेता थे, लेकिन दूसरी तरफ इनकी ही पार्टी बीजेपी जो नगर परिषद में लेके केंद्र से लेके नगर परिषद तक काबिज है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई, जहां हमारी सिवान न्यूज़ की टीम सुबह से वहां पे आई है, अभी तक वैसा कोई वहां पे आलम नहीं दिखा है, ना ही कोई पहल कि उसको अच्छा किया जाए, भरा जा सके, अभी भी उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी लगा हुआ है। तो आइए देखते हैं आगे का क्या होगा, बने रहिए सिवान न्यूज़ के साथ, हम आपको पल पल की खबर देते रहेंगे।